इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई कि आप कैसे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम बेसिक। पूरी गाइडेंस इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करना। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 10 कुछ टिकट लगे हुए, सो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिकॉज वो चीज मैंने लास्ट में ही बताई है। सो या लेट्स बिगिन द वीडियो। हे दोस्तों, मेरा नाम उमेर कुरैशी एंड आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड कि उमेर कैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कहते ना एक रोड मैप नहीं है उनके पास स्टार्ट करने का कि कैसे अपना ब्लॉग सेटअप करें या कुछ भी वो करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में तो वो कैसे करें। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा बताने का ट्राई करूंगा कि यार कैसे आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी स्टार्ट करने में, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पता चल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो जो होगी वो लंबी होगी, ठीक है। लंबी इसलिए होगी बिकॉज यार इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होने वाला है, एकदम प्रैक्टिकल वीडियो, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल वीडियो होगी पूरी एकदम, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं खुद करके दिखाऊंगा और सारी चीज़ आपके सामने होगी, इन फ्रंट ऑफ यू सारी चीज़ आपके सामने होगी, ठीक है। सो आप चाहो तो यार थोड़ा इसको 2x करके भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं कहूँगा पॉपकॉर्न लेके बैठो या चाय लेके बैठो या कॉफ़ी लेके बैठो, ये सारी चीज़ें तो आप लेके बैठ ही सकते हो, जिससे आपका मनोरंजन भी बना रहेगा और हम कंटेंट एकदम सुविधा से आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको मजा भी आएगा और आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट भी कर पाओगे। बट अब मैं बात करना चाहता हूँ कि यार एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है मैं एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डालता हूँ, आपको पसंद भी आने लगे हैं। पहले बहुत सारे कमेंट आते थे कि मेरा अब समझ नहीं आ रहा है, आई होप इसके बाद थोड़ा समझ में आने लगे हैं, बिकॉज वो थोड़ा मैंने एडवांस स्टेप बता देता था कभी कभी। बट अब ऐसा होगा कि मैं थोड़ा आपको ऐसी चीज़ें भी सिखा रहा हूँ थोड़ा बेसिक से भी, तो आपको भी थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू बेसिकली नीड इज अ निच, ठीक है। आपको एक निच डिसाइड करनी होती है कि आपको किस निच में जाना है। देखो निच फाइंड करने के यार बुतेरे वेज हैं, बुतेरे मीन्स बहुत सारे वेज हैं जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी निच जो है वो फाइंड कर सकते हो। बट मैं बताऊँ यार कि बढ़िया वे क्या है यार, वो तो सिंपल मैं बोलूंगा कि आप देखो कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आजकल मैं बताऊं मेरे को सॉफ्टवेयर डील्स इन सब में ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं अगर आपको बताऊं मैंने इसी हफ्ते करीबन 1 लाख रुपए स्पेंड करा है, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए स्पेंड किया है टूल्स में, ठीक है, टूल्स को खरीदने में उन सारी चीजों में। तो आप देख सकते हो यार मेरा इंटरेस्ट है इन सॉफ्टवेयर डील्स में सारी चीजों में। तो मेरा इंडस्ट्री हो गया सेल्स डील्स इंडस्ट्री, जहां पे मैं उनको डील्स प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी, कहते हैं ना एक तरीके से वो नीच हो गई। तो आपको देखना है कि आपकी नीच है कौन सी, आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको पता चल गया ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है तो आप उसके रिलेटेड पे निच स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज देखनी पड़ती है, वो चीज क्या है, आपको ये देखना पड़ता है कि क्या मैं जिस निच में जा रहा हूँ उसमें प्रॉफिट है या नहीं। यार ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, सच बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं उमेर भाई बताओ इस निच में पैसा है या नहीं। यार यही तो मेन दिक्कत है, आप निच चुन लेते हो उसके बाद ये चेक नहीं करते कि प्रॉफिट कितना निकल सकता है उस निच से। कभी भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक टिप तो मैं जरूर दूंगा यार कि पहले निच फाइनलाइज करो, देखो उसमें आपका पैशन है या नहीं और प्रॉफिट है या नहीं। प्रॉफिट यहाँ पे बोला ना प्रॉफिट, तो आपको ये ध्यान में रखना है प्रॉफिट है या नहीं निच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि उमेर हम देखें कैसे यार उस निच में प्रॉफिट ज्यादा है और हम उसका यूटिलाइज कर सकें। सो यार उसका मैं सिंपल वे बताऊं तो कोई भी वेबसाइट लो जो भी आपको कॉम्पिटिटर है, मान के चलो कि मैं सैस के बारे में वेबसाइट बनाने वाला हूँ, बेसिकली इस वीडियो में सैस के बारे में बात करूंगा, तो मान के चलो मेरे को सैस की वेबसाइट बनानी है, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको देखने के बाद मैं क्या करूंगा, उनका जो कहते हैं ना कीवर्ड रिसर्च टूल है जैसे एचलिप्स है, वहां जाऊंगा देखूंगा उनके बाहर कीवर्ड्स कितने हैं, वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, अगर उनकी कम्युनिटी है उसमें ज्वाइन करूंगा, देखूंगा वो कैसे काम कर रहे हैं। और जब मेरे को पता चल जाएगा वो कैसे काम कर रहे हैं और लगेगा यार प्रॉफिट है, तो यार मैं सिंपली जाऊंगा उस निच में कूद जाऊंगा, ठीक है। ये चीज है, आपको देखना पड़ता है कि प्रॉफिट है या नहीं निच में, बिकॉज अगर उस निच में प्रॉफिट नहीं है तो यार आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। देखो ये तो होता ही है कि हर निच में प्रॉफिट है, बट हर निच एफिलिएट नहीं हो सकती कभी कभी, ठीक है, हर निच नहीं हो सकती, कुछ कुछ हो सकती है। जैसे अगर मान के चलो पर्सनल डेवलपमेंट है, वहां पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग, बट मेनली
वहां पे आप अपना खुद का प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, वो सारी चीजें ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन चीज रहती है जो आपको एक बार देखनी होगी। ओके, सो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आपको अपनी निच फाइनलाइज करनी होगी कि आपकी निच क्या है, ठीक है। आपने उसके बाद निच फाइनलाइज कर ली, फिर आपको देखना है कि उसके अंदर एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। तो वो फाइंड करने के लिए कि क्या उसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं या नहीं, निच डिसाइड करने के बाद आपको सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद डालना है फॉर, फिर जो भी आपकी निच है उसको डाल देना है। जैसे मान के चलो कि मेरी निच है सैस या होस्टिंग ही मान लो, तो होस्टिंग है मेरी निच, तो मैंने जैसे डाला बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम फॉर होस्टिंग, तो यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे मेरे को कितनी सारी वेबसाइट मिल चुकी हैं जो बता रही हैं कि हाँ यहाँ पे होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं ज्वाइन करके कमीशन अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। अब निच फाइनलाइजेशन में एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड होगा कि एफिलिएट प्रोग्राम है उस निच में तो ही जाना अंदर, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो बेसिकली। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप सोचोगे क्या प्रमोशन करना है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये देखो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर आपको कुछ ऐसे ही, मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स कर सारी चीजें करना चाहते हो तो उसके लिए amazon.com या walmart.com ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट्स जहाँ पे मिलते हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली जाइए amazon एफिलिएट प्रोग्राम लिखिए और उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। ओके, जैसे ये है amazon.in, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। अगर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट शूज में भी हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, सो म्यूजिक के जो इक्विपमेंट्स होंगे होता है मेनली अमेजोन से ही मिलेंगे ना, या वॉलमार्ट में मिल जाएंगे, और भी बतरी साइट है वहां से मिल जाएंगे। बट अगर आपको वही सेम चीज करनी है जो मैं करता हूँ, तो यार उसके लिए मैं कुछ आपको एफिलिएट मार्केट प्लेस रिकमेंड करना चाहूंगा, ठीक है। जो बेसिकली मैं कर रहा हूँ वो सैस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। सैस मीन्स, अगर आपको नहीं पता तो, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, मीन्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसको सर्विस में बेचने वाला होता है, मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया सैस का मतलब, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मार्केट प्लेस हैं जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला मार्केट प्लेस मैं बोलूंगा, मार्केट प्लेस तो नहीं बट एक वेबसाइट है जो है मनचाय.com। मनचाय.com में आपको सारे जो लॉन्चेस होने वाले हैं अपकमिंग, उसका आप कह सकते हैं ना, आपको मिल जाएगा जो एक बेसिकली एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और बेसिकली यहाँ पे आप जेवीजू होता है ना, जेवीजू में ज्वाइन करके आप वहां से प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और टिप मेरी तरफ से, अगर आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस मीन सैस में घुसना चाहते हैं, तो अगर आप मान के चलो सिर्फ जेवीजू से ही अर्निंग करना चाहते हो, या कहते हैं ना, या वॉरियर प्लस से अर्निंग करना चाहते हो, तो मेरी तरफ से एक बहुत ही अच्छी टिप आप सभी के लिए कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से जो ब्लू वाले हैं उनको प्रमोट मत करना स्टार्टिंग में। अब उसका रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि बड़े लॉन्चेस होते हैं, बिग लॉन्चेस होते हैं, इसमें शायद आपको अप्रूवल ना मिले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे है ना सॉफ्टवेयर्स, या यहाँ पे जिसपे येलो येलो बना हुआ है, तो इसको प्रमोट करो क्योंकि ये मीडियम लॉन्चेस होते हैं। मीडियम लॉन्चेस में आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा और सेल आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं यही सेम चीज करता हूँ और आप भी सेम चीज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो ग्रे वाले भी हैं आप उनको भी प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज वो स्मॉल लॉन्चेस में गिने जाते हैं एंड एमएसएल को प्रमोट करना ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक टिप थी आप सभी के लिए जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस में जाना चाहते हैं। अदरवाइज एक और प्लेटफॉर्म है जो मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर मान के चलो मेरे को कोई LTD खरीदनी है, लाइफ टाइम डील खरीदनी है किसी टूल की, तो वो है AppSumo, ठीक है। AppSumo इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म जहां से मैं डील्स लेता हूँ। यहाँ पे हम देख पाओगे डिफरेंट डिफरेंट डील्स है, जैसे स्वाइप पेजेस की है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी है, यहाँ पे आपको डील मिल जाएंगी। वैसे अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है अभी AppSumo की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके लो प्रोडक्ट्स, मेरा लिंक एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके खरीदना है AppSumo के प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, बट जो मैं टूल रिकमेंड करूंगा जो मैं यूज करता हूँ खुद, वो है पब्लर, ठीक है। पब्लर एक ऐसा टूल है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट वायरल लूप्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो और भी है सारे, बट आप चाहते हो 27 नवंबर को मैं लाइव जाऊँ, टूल्स के बारे में बताऊँ आपको, तो आप जस्ट मेरे को कमेंट करके बताओ, उमेर हमें बताओ। बेसिकली ये वीडियो थर्सडे को लाइव होने वाला है, तो फ्राइडे है कल। अगर आपको जानना है इसके बारे में जस्ट लेट मी नो, आई विल डू अ लाइव सेशन इन फ्रंट ऑफ यू और आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट डील्स हैं जो आप ले सकते हो AppSumo से या पिच ग्राउंड से। ओके, सो AppSumo में एक है, उसके बाद एक और मेरा फेवरेट है वो है पिच ग्राउंड। पिच ग्राउंड यार आई मस्ट शेयर,
वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट्स इंटरनेट मार्केटिंग के रिलेटेड, सैस के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और आई मस्ट से यार ये बहुत ही अच्छा है, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त हैं मतलब पिच ग्राउंड में काम करते हैं, जिनका नाम मीनक मीनू, एंड आई मस्ट से यार बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म रन करते हैं पिच ग्राउंड, लाइक वहाँ पे आपको डील्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप इनका भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और इनका एफिलिएट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके ना प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बता दिए, मतलब आपको बता दिए कि आपको प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने हैं, लाइक निच ढूंढने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के बाद आपको प्रोडक्ट देखना होगा, ठीक है। उस तरीके से जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपकी निच जो होगी वो एक तरीके से फाइनलाइज हो जाएगी। सो ये तो बात होगी प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको देखो तीन चीजें मैंने बताई थी, वो है पहला निश रिसर्च, फिर दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्शन मतलब एफिलिएट प्रोडक्ट। अब जो तीसरी चीज होती है वो ट्रैफिक होती है, आपको ट्रैफिक ड्राइव करना होता है अपने उस प्रोडक्ट पे, उस लिंक पे जो आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, जहां से आप कहते हैं ना कमीशन जनरेट कर सको। उसको करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स है, लाइक कुछ वेज है, यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला वे है कोरा.com। कोरा.com आई मस्ट से इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म, जहां से मैं ट्रैफिक ड्राइव करता हूँ, आज भी करता हूँ, मैं अभी उस पर काम भी नहीं कर रहा, मैं अब भी कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे जाऊँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे सर्च बार है, तो यहाँ पे सिंपली मैं सर्च कर लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे बेस्ट शूज, तो यहाँ पे आएगा बेस्ट शूज फॉर रनर्स। बेसिकली कोरा में क्या होता है ना, कोरा में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कुछ उनकी क्वेरीज होती है तो वहां पे पूछते हैं, उसके थ्रू आप वहां पे एफिलिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अपना लिंक दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो बेस्ट वाइट नर्स, यहाँ पे तो उन्होंने कुछ अपना ही एफिलिएट लिंक दे रखा है, लाइक ब्लॉग लिंक दे रखा है, बट यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है उसका आप नहीं डाल सकते हो। मान के चलो क्लिक फनल्स ही प्रमोट करना है आपको, तो करो क्लिक फनल्स, उसके बाद यहाँ पे जाओ क्लिक फनल्स, देखो कि कौन कौन बात कर रहा है, किस किस को हेल्प चाहिए। तो बेसिक पता है नॉर्मल यूजर्स क्या समझते हैं, नॉर्मल एफिलिएट मार्केटर्स, की जाओ सिंपली लिंक पेस्ट कर दो कोरा पे, पिंटरेस्ट पे, इन सारी चीजों पे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वैल्यू एडिशन करनी होती है, जब तक आप वैल्यू एडिशन कहीं नहीं करोगे ना, आपको ना ट्रस्ट बिल्ड होगा ना कुछ होगा। और एफिलिएट मार्केटिंग में हमेशा याद रखना, ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर दोगे तो आप एफिलिएट सेल्स इजीली लाओगे, इजीली। और वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, जहाँ वैल्यू प्रोवाइड करो। आप देख रहे हो मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना के डाल रहा हूँ आप सभी के लिए, क्यों डाल रहा हूँ, लाइक मैं अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे, और अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ, तो वो सेम चीज है। और मैं क्या ऑनेस्टली बोलूंगा यार, ऐसा झूठ भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आई एम बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो ये चीज है, आपको अगर मान के चलो वॉटर क्लिक फनल्स है, मैं ऐसा आंसर नहीं करूंगा कि जस्ट गो थ्रू माई लिंक एंड परचेज इट ब्ला ब्ला, नो, मैं बोलूंगा कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बोलूंगा इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो, मैं लिंक ही नहीं डालूंगा, फिर उसको बाद में वैल्यू दूंगा दूंगा। अगर वो परचेज करने जाएगा तो मैं उसको अपना एफिलिएट लिंक दूंगा, पहले नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है कोरा के साथ। और अगर आपको लगता है कोरा यूजेबल नहीं है, तो मैं कहूंगा यार बहुत ज्यादा यूजेबल है, मेरे सारे दोस्त यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे एक फ्रेंड है जो है जोधर, यहाँ पे अगर मैं उनका दिखाऊँ, इन्होंने खुद यहाँ पे आंसर लिख रखा है, लाइक बेस्ट वेबसाइट टू क्रिएट फ्री ब्लॉग्स, यहाँ पे इफ आई जस्ट ओपन यूज आंसर, तो यहाँ पे देख पाओगे कितने सारे लिंक अटैच किए हैं, ठीक है। तो लिंक अटैच, अकाउंट बैन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। What you have to do, you have to provide value. Okay, so traffic drive करने के लिए जो था, so Quora.com वो पहला भी था। अब हम बात करते हैं दूसरे वे की, जो है Pinterest.com। Pinterest.com I must say एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप इमेजेस पिन करके सारी चीजें कर पाओगे। मैं सच बताऊँ तो मैं Pinterest को ज्यादा यूज नहीं करता, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूज करते हैं, जैसे ओके अंकित हैं, ओके अंकित मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना उनके चैनल को, एंड पिंटरेस्ट की वीडियो देखना कि वो कैसे पिंटरेस्ट से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। और जब आप वीडियो देखो तो वहां पे लिखना आई कम फ्रॉम उमेश वीडियो, जैसे आपने शांतनु भाई की वीडियो में करा था, मैंने कमेंट चेक किए थे, ठीक है। सो वो ही सब चीज करना, और लाइक उनको भी मोटिवेट करना, उनकी वीडियोस वॉच करना, और फायदा उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें पिंटरेस्ट के थ्रू आप अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो और सेल्स भी जनरेट कर सकते हो। अब जो पिंटरेस्ट के पास सबसे अलग मेथड आता है वो है यूट्यूब।
देखो YouTube से सच बताऊं तो अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकता हूँ। वो कैसे लाना है, यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो कंटेंट डालना होगा, बेसिकली कंटेंट तो हर जगह डालना है। यहाँ पे आपको किस टाइप का कंटेंट डालना होगा, आपको वीडियो फॉर्म में कंटेंट डालना होगा। जैसे मान के चलो अगर आप प्रमोट कर रहे हो स्वाइप पेजेस, ये टूल है मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ और इसका भी रिव्यू आएगा, तो स्वाइप पेजेस लिखा तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्वाइप पेजेस रिव्यू। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो स्वाइप पेजेस रिव्यू के कितने सारे यहाँ पे हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे सैस मास्टर हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप बेस्ट रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हो। जैसे आप मान के चलो मेरे को वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रमोट करना है, तो क्या करूँगा, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, सारी लिस्ट बता दूंगा, बट बोलूंगा अगर आपको चाहिए कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर देन जस्ट गो अहेड विद माय रिकमेंडेशन, मेरा एफिलिएट लिंक नीचे है, तो ऐसा करके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे अपने भाई हैं, इन्होंने करा है, एक है दूसरा ने, मैंने कहा चैनल फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो देख सकते हो सारे लोग कैसे कर रहे हैं, और ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ओके, ये तो सारे हो गए तीन मेथड्स। अब मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ मेथड के बारे में। तो जो मेरा फेवरेट वे है वो है ब्लॉग स्टार्ट करके। जी हाँ, आप अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा ब्लॉग है guideblogging.com, वैसे ही आप अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो और वहां पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो और वहां से आप एफिलिएट कमीशन दे सकते हो। तो अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एकदम प्योर बेसिक से आपको बताया जाएगा कि कैसे सारी चीजें करने वाली है। और देखो ये जो आगे का पार्ट होगा वो शायद थोड़ा टेक्निकल हो, बट आपको समझना पड़ेगा, जब आप समझोगे तो ही आप आगे ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, अगर आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो सबसे पहले सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इज डोमेन एंड सेकेंड इज होस्टिंग। तो पहले हम बात करते हैं कि डोमेन होता क्या है। तो देखो जैसे आप जाते होगे google.com, ठीक है, जो google.com है वो एक डोमेन ही है। ठीक है ना, जो आपका डोमेन होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है ऑनलाइन। ठीक है, वो एक होती है। ओके, सो आपको डोमेन नेम चाहिए होता है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे google.com है, तो ये एक डोमेन है। ठीक है, एक डोमेन है, तो आपको ऐसे ही अपना डोमेन लेना होगा। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि मैं कोई से भी डोमेन ले लेता हूँ, जैसे पान बहार domain.com, ऐसा नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप अपना डोमेन परचेज करने जाओ तो वो हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए, साथ ही साथ कहते हैं ना उसमें नंबर्स के यूटिलाइज ना करो। ठीक है, जब आप नंबर्स के यूटिलाइज करते हो ना तो फिर वो खराब हो जाता है, तो डोंट यूज नंबर्स। और वो जो कहते हैं ना हाइफन वगैरह वो सारी चीज आती है, उनको भी यूटिलाइज ना किया करो, बिकॉज यार आप अपनी ब्रांड बिल्ड करने हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज नहीं कर रहा है, यू आर हेयर टू बिल्ड योर ब्रांड। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशन रहेंगी, ठीक है, अगर आप कोई अपना एक नया डोमेन ले रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बार डोमेन हमें लेना है। अब जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो चाहिए होस्टिंग। जी हाँ, होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बट उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि होस्टिंग होता क्या है। देखो होस्टिंग जो होता है वो एक तरीके से कहते हैं ना, एक तरीके से हार्डवेयर होता है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, जहां पे आप सारा सारा जो डाटा है वो सेव करते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से बेसिकली वो होता है। बट अगर हम उसको ऑनलाइन ले जाए, कहते हैं ना जो सारी जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट की डिटेल्स हैं, जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन स्टोर हो रही है, तो होती है होस्टिंग। ठीक है, आई होप आपको एक छोटे से और इजी देसी एग्जाम्पल से समझ आया होगा। सो ये तो बात हो गई कि होस्टिंग एंड डोमेन के बारे में, बट अब यहाँ पे बात करते हैं कि डोमेन कहाँ से खरीदें। लाइक मतलब अगर आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि डोमेन डोमेन नेम क्या होना चाहिए और कैसे सर्च करें, क्या सारी चीज होती है, तो यार मैं बताता हूँ आप क्या करना है। आपको सिंपली गूगल में जाना है, उसके जाने के बाद आपको लिख देना है लीन डोमेन सर्च। ठीक है, जैसे आप डालो सिंपली इसको सर्च कर लो गूगल में। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे ना आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जिसका नाम होगा लीन डोमेन सर्च .com, और यहाँ से आप अच्छे हाई क्वालिटी डोमेन फाइंड कर सकते हो। मीन जो कहते हैं ना आपके दिमाग में कभी आइडिया नहीं आ रहा होता तो वो डोमेन आप फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज मैं छोटी सी टिप यहाँ पे एक और दे दूंगा, जो वर्ड आप ज्यादातर मोस्टली अपना बोलते हो, ठीक है, वो चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं जब गाइड ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये रहा था कि लोगों को गाइड कैसे करूँ, गाइड कैसे, तो वो दिमाग में मेरे हिट करता रहा, तो मैंने गाइड ब्लॉगिंग ले लिया। वैसे मेरे फ्रेंड है पीयूष यादव, अगर आपने उनको फॉलो नहीं करा मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फॉलो हिम। तो उनका ब्लॉग है exactblogging.com, तो उनका जो ब्लॉग का डोमेन था वो हम दोनों ने मिलकर ही फाइंड किया था। अब वो कैसे किया था, तो मैंने उनसे यही बोला कि भाई आप
कौन से वर्ड दिन में बहुत ज्यादा बार बोलते रहते हो? बोलते ही रहते हो अच्छी तरह। तो बोले यार ऐसा तो कोई वर्ड नहीं, फिर सोचने में आया, बोलते हैं ये एग्जैक्ट करके निकला। तो फिर हमने जोड़ के बना दिया एग्जैक्ट ब्लॉगिंग डॉट कॉम। पिछले साल की बात है आपको बताया, तो पिछले साल मई अप्रैल की बात है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, ये थोड़ी सी टिप थी आपके लिए। अदरवाइज हम यहाँ पे जा सकते हो लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम। वहां पे जाने के बाद सिंपली जस्ट गो अहेड एंड वहां पे जो भी आपका निच है, जो भी आपका निच है, जैसे मान के चलो मैं सैस में जाना चाहता हूँ, मैं सिंपली डाल दूंगा सैस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये मेरे को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा डोमेन्स, ठीक है। जब सैस मैंने लिख दिया तो यहाँ पे मेरे को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा कौन से सैस के डोमेन्स हैं जो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे सैस सर्फ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे अवेलेबल है डोमेन। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे डोमेन होंगे जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली देख पाओगे कि अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा लेना कैसे, बट यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएंगे। जैसे सैस ब्लास्ट, ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है सैस ब्लास्ट डॉट कॉम इज अवेलेबल। सैस ब्लास्ट ट्यूटर उसका अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, जो मेरे पास एक डोमेन है जो है सैस माइंड, ठीक है, मैंने डोमेन खरीदा था पहले, ठीक है, सैस माइन डॉट कॉम, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी सारे न्यू डोमेन्स ने उतार रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से डोमेन हैं आपकी निच में। मान के चलो कि आप अपना चाहते हो होस्टिंग का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, या ऐसा ब्लॉग जहाँ पे आप डील्स प्रमोट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो होस्टिंग लिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे डोमेन नेम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जस्ट सी कोई बढ़िया डोमेन नेम हो यहाँ पे तो मैं आपको रिकमेंड करूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ना आपको एक ब्रांडेबल डोमेन लेने के लिए ना, मैंने आपको पहले टिप बताया था कि कीप इट शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा, बट हाँ मेरे को अच्छा लगा होस्टिंग ऑप्टिमल डॉट कॉम, बट यस ये अवेलेबल नहीं है डोमेन, ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डोमेन कैसे लेना है, ठीक है। तो अब बात आती है हम होस्टिंग कहाँ से खरीदें और इस साइट के सेटअप कैसे करें। तो देखो ये ब्लैक फ्राइडे सीजन चल रहा है, और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया होस्टिंग, जो अफोर्डेबल होस्टिंग मैं देना चाहूंगा, वो चाहूंगा होस्टिंगर को। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मस्ट चेकआउट करना। अदरवाइज आप गूगल में जाइए, लिखिए होस्टिंगर डॉट कॉम स्लैश उमेर। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी होस्टिंगर डॉट कॉम की। और आई मस्ट से मैंने इनके पहले भी रिव्यू कर रखा है ये कैसे होस्टिंग है। मैं भी मेरे एक वेबसाइट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो, जिसका नाम है सैस डी डॉट रिव्यू, ये वेबसाइट मैं यहाँ पे अभी तक होस्ट कर रखा हूँ होस्टिंगर डॉट कॉम पे, और ये बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है। वैसे कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, बट येस इट्स गोइंग वेल, और आप भी इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ होस्टिंगर डॉट कॉम पे, तो यहाँ पे अभी ब्लैक फ्राइडे डील लाइव चल रही है। ओके यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे होस्टिंगर पे, तो यहाँ पे आप आओगे आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक फ्राइडे का 70% ऑफ अभी चल रहा है होस्टिंगर पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सारी प्राइसिंग डिटेल्स हैं, बट यहाँ पे आप जाओ वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, बिकॉज वर्डप्रेस होस्टिंग मेरी मोस्ट रिकमेंडेशन रहती है हमेशा, वो भी होस्टिंगर डॉट इन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जो मोस्टली प्लान होगा वो सिंगल वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ों का होगा। बट अगर आप एक न्यूबी हो तो आई रिकमेंड यू कि इस प्लान में जाना, ठीक है, इस प्लान में जाना। इसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ 100 ईमेल अकाउंट्स है, 20 GB SSD स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें। वैसे मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाई थी होस्टिंगर डॉट इन की, तो यहाँ पे आपको मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, आप जाओ आई बटन में देखो उस वीडियो को एंड देखो कैसी होस्टिंग है, और मेरे ख्याल से तो बढ़िया होस्टिंग है। तो यहाँ पे जाओ सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पे सिंपली जाने के बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दो। तो जैसे यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको होस्टिंग मिल जाएगी लाइक 1 मंथ की 99 रुपीज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा अगर आप इसको करीबन 2 साल के लिए खरीदते हो तो आपको 99 रुपीज पर मंथ की मिलेगी, बट अगर आप 1 मंथ के लिए खरीदते हो तो आपको 400 का मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि यार 12 महीने के लिए खरीद लो इसको, ठीक है, 1 साल के लिए खरीद लो। एंड मेरा जो कूपन कोड है जो है उमेर, उसको आप ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप देखोगे कि यार प्राइस थोड़ा सा कम हो चुका है, ओके, प्राइस थोड़ा सा कम हो चुका है, ओके। सो ये कूपन कोड आप यूटिलाइज करना, अदरवाइज आप देखो थोड़ा महंगा आपको पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डोमेन, तो यहाँ पे मैं डोमेन डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ओबी नॉच लेने का, ठीक है, ओबी नॉच डॉट कॉम, हमेशा मैं बोलूंगा डॉट कॉम ही लेना, ठीक है, फिर उसको सर्च कर लेते हैं। ओके सो जैसे मैंने सर्च करा, आई होप ये अवेलेबल हो, ओके या इट्स अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओपी नॉच डॉट कॉम अवेलेबल है, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे अगर मैं ऊपर करूँ तो आपको डोमेन मिल चुका है। जी हाँ आपको डोमेन मिल चुका है,
obinodge.com और यहाँ पे मेरा डिस्काउंट कोड भी है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली जाओ और चेकआउट नाउ पे क्लिक कर दो, और उसके बाद ये जो सारा डोमेन वगैरह है होस्टिंग, ये आप ले लो। तो सिंपली आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, एंड यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट जो कहते हैं ना अपनी परचेज करनी होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो आप यूपीआई पेटीएम वगैरह सब जगह से आप कर सकते हो, ठीक है, सब जगह से आप कर सकते हो। और हाँ यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप लेते हैं जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां पे, तो आपको इस ब्लैक फ्राइडे में अगर आप ले रहे हो तो आपको थोड़ा बोनस भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। बस मेरे को ईमेल कर देना uq@guidewell.com पे कि आई परचेज होस्टिंग और होस्टिंग फ्रॉम योर लिंक, ठीक है, और मेरे को ईमेल कर देना, ठीक है, और अपना जो रिसिप्ट है वो भी मेरे को शेयर कर देना, जिससे मैं आपको बोनसेस भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप खरीद लो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया, उसके वर्डप्रेस को कनेक्ट कर लो, ठीक है, होस्टिंग वगैरह इन सबको डोमेन के साथ कनेक्ट कर लो। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो के थ्रू आप जो अपना ब्लॉग रेडी किए हो उसको आप इजीली सेटअप कर पाओगे, ठीक है। तो सेटअप करने के बाद आपको ये करना होगा, बेसिकली आपको बनाने होंगे हाई क्वालिटी आर्टिकल। जी हाँ, आप कहते हो ना आपको हाई क्वालिटी कंटेंट वहां पे अपने ब्लॉग पे प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। आप देख पाओगे बहुत सारे आप रिव्यूज लगा सकते हो, जैसे रिव्यू आर्टिकल मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, उस टाइप का आप रिव्यू आर्टिकल्स बना सकते हो, और उसको आप रैंक कराओ गूगल में। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए, सारी चीजें कैसे होती है, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो और मैं वीडियो ला दूंगा। और ब्लैक फ्राइडे की जब आपको ये लाइव देखने है तो उसके लिए भी मेरे को बोल देना, ठीक है। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करोगे तो धीरे धीरे वो एसईओ करेगा, मतलब रैंक होगा, वो सारी चीज होगी, जिससे बेसिकली सेल्स आना आपको शुरू हो जाएंगे। और ये सारी चीज मैं भी करता हूँ और अदर ब्लॉगर्स भी करते हैं। तो ये तो बात हो गई कंटेंट की, अब जो मेन चीज निकल के आता है, आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपको लीड जनरेशन करनी होगी अपने कंटेंट से, ठीक है। लीड जनरेशन करने के लिए दे आर सेवरल वेज, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग की वीडियो अगली या आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग आपको करनी होगी, ईमेल मार्केटिंग जब आप करोगे तो उससे क्या होगा, आप उनको नर्चर कर पाओगे, उनको एक सीक्वेंस में डाल पाओगे जो सोप ओपरा सीक्वेंस है, ठीक है, वहां से आप उनको कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। आप ईमेल का सीक्वेंस बना सकते हो, सबसे पहले तो आपको लीड जनरेट करना होगा कुछ ना कुछ फ्री गिवअवे करके, वो सारी चीजें करके, एंड आप ईमेल मार्केटिंग कर पाओगे, ठीक है। मैं कहूंगा यार ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं पता ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो यार जैसे जो मार्केटिंग होती है, जो मार्केटिंग कहते हैं ना प्रोडक्ट की मार्केटिंग, किसी भी चीज की मार्केटिंग, वो ईमेल से करी जाए तो उसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो आने वाले हैं, तो दो वीडियोस आने ही वाली हैं, ठीक है। वैसे मेरा बहुत सारा कंटेंट शेड्यूल है, तो यार बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है मेरी तरफ से, सॉरी बस एक्साइटेड आर नॉट, जस्ट बता देना मेरे को पोल में। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले यार लाइक कर दो इस वीडियो को, और शेयर करो यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यार वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। तो जाते जाते यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गिव अवे भी कर रहे हैं, तो गिव अवे किसका है, तो यहाँ पे जो गिव अवे होने वाला है वो होने वाला है हमारी वर्कशॉप का, जिसका नाम है ओबी वर्कशॉप, ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप का, जो अभी लॉन्च होने वाला है या अभी लॉन्च हो चुका होगा। तो इसका हम करने वाले हैं गिव अवे, जी हाँ, करीबन 10 टिकट्स का यहाँ पे गिव अवे होने वाला है, जिसमें आपको अगर ज्वाइन करना तो आपको कमेंट करना पड़ेगा आई वॉन्ट ओबी वर्कशॉप एंड द रीजन, कि आपको ओबी वर्कशॉप से क्या सीखना है, क्या सारी चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता, ओबी वर्कशॉप इज ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड ग्रो कर सकते हो। ओके सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड साथ ही साथ अगर आपको होस्टिंग परचेज करनी है, सो आई मस्ट रिकमेंड यू गो विद hostinger.com, बिकॉज hostinger.com इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल होस्टिंग इन द मार्केट राइट नाउ फॉर बिगिनर्स। ओके एंड साथ ही साथ ये सारे जो टास्क मैंने आपको दिए इसको कंप्लीट कर लेना, जो ये सारी चीजें, एंड आई विल सी यू इन द न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। जब तक के लिए बाय बाय, चीयर्स।